क्रिस्टलैनिटी इनिमर पॉलिमर में क्रिस्टलिटी क्या चीज होता है सॉलिडस हम जानते हैं कि जो सॉलिड सबस्टेंस होते हैं उनमें एक क्रिस्टलाइन नेचर होता है सॉलिडस में या तो आपका सॉलिड ये तो एमॉर्फस होगा या क्रिस्टलाइन होगा ये हमने पढ़ा है सॉलिड दैट कि सॉलिडस में हमारे पास हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं एज एमार्फस या एम्बार्फस और क्रिस्टलाइन दिस वी नो द बेसिक्स ऑफ इट एमार्फस और क्रिस्टलाइन में जो मेन डिफरेंस ये कि क्रिस्टलाइन के केस में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं जो आइनस होते, है, होते हैं एटम्स होते हैं दे आर रेगुलरली अरेन्ज इन द्री डायमेंशनल स्पेस सो दैट्स कॉल्ड एज ए क्रिस्टलाइन and then they have the properties accordingly. Amorphous there is no regular arrangement. the similar type of behavior exists in the uh, polymers. in case of polymers, crystallinity comes we know polymers basically, kya hota? we have ye, ek to, in the main structure hota, many monomers, they are present in a polymeric chain. so this is a polymeric chain. Now, this polymer chain, since many monomers are there, that can be called as a macromolecule. So, this can be called as a macromolecule or a polymer chain. Polymer chain or a macromolecule. Macromolecule. Now, ab, our polymer there are many such chains. There are many such macromolecules in a polymer. Thousands of chains in a macromolecular. You know, in a polymer. So, in case of polymer, when we talk about the crystallinity in a polymer, we basically uh, are talking about the arrangement of those polymeric chains in a polymer as a whole. So, by means of crystallinity, we can say it is basically, it is basically the arrangement of, arrangement of Polymer Chains Polymer Chains or Macromolecules Arrangement of Polymer Chains or Macromolecules Are Macromolecules Kaise Polymer Chains are Macromolecules they are arranged in a polymer as a whole so that actually gives us the concept of Crystallinity तो पॉलीमर भी एमरफ भी होता है और पॉलीमर भी क्रिस्टलाइन होता है अब कौन सा पॉलीमर एग्जिस्ट होगा अरेंजमेंट ऑफ पॉलिमर चीन पॉलीमर चीन कैसे हाउ मोनोमोर्स आर लिंक इनिमर चीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोमोर्स कैसे एक इंडिविजुअल पॉलीमर चीन में लिंक्ड है हाउ मोनोमोर्स आर लिंक्ड इन अ पॉलिमर चेन दे आर लिंकड यानी वो कैसे ज्वाइन हुए हैं आर लिंक्ड इन अ पॉलिमर चेन पॉलीमर चीन फॉर एग्जाम्पल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइप कंपाउंडिस विनाइल क्लोराइड अगर हम इसको एल्फा मान लें इसको बीटा मान लें Now, अगर इससे हम पॉलीमर बना ले वी कैन मेक द पॉलीमर लाइक दिस इसको हम दो तरीके से पॉलिमर बना सकते हैं वन वे इज लाइक दिस दिस इज वन देन आई कैन ब्रिंग वन मोर पॉलिमर इन दिस फैशन वी नो दिस इज अल्फा दिस इज बीटा सो दिस इज वन वे ऑफ लिंकेज so what i have done it is alpha alpha in the alpha alpha pattern the polymers are building up this is one way those are case here i can use it this way this is one monomer unit then i can bring it here chch CH. स में हमने क्या किया था दिस वॉज एल्फा दिस वॉज बीटा जो दूसरा मॉनोमर यूनिट है उसका यह बीटा है और अल्फा है सो दिस इज कॉल्ड दस का मतलब है कि अल्फा हेज ज्वाइंड विदा है सो इट इज एल्फा बीटा लिंकेज टाइप यहां पर एल्फा एल्फा फैशन में तो यहां पे पॉलिमर है और टेल टू हेड भी बोल और टेल टू टेल बोल सकते हैं इस केस में हेड टू टेल या टेल टू हेड तो इस केस में हेड टू टेल पैटर्न हेड टू टेल पैटर्न या अल्फाबीटा पैटर्न अब इसमें क्या बन रहा है आपका इफ यू फॉलो यहां पे आप देख सकते हो कि नाउ वी हैव इट्स लाइक अब जो नेक्स्ट आएगा देखिए यहां पे एक रेगुलरिटी आ रही है चेन में इफ यू सी इन दिस केस दैट दी पॉलिमर्स दी वन इज द मोनोम ज्वाइन टूगेदर इन दैर टू टेल फैशन तो इसमें एक रेगुलरिटी आ रही है यहां पर फिर सी एल कार्बन फिर एक को छोड़ के फिर सी एल फिर यहां पर एक को छोड़कर सीएल तो यहां पर एक रेगुलरिटी आ रही है सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेग्युलर पॉलिमर दैट मीन इट एज ए रेग्युलर अरेन्जमेंट ऑफ मोनोमर्स ना इन दिस केस दिस इज ए रेगुलर अरेन्जमेंट ऑफ मोनोमर्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आपका पॉलीमर क्रिस्टलाइन बिहेव करेगा कि एमॉर्फस बिहेव करेगा सो इफ यू हैव दिस रेगुलर ऑफ पॉलीमर कॉल्ड एज अ रेगुलर अरेंजमेंट सो दिस कैन बी कॉल्ड एज ऊपर वाला दैट इज कॉल्ड एज इेगुलर अरेजमेंट इेग्युलर अरेजमेंट अगर इस तरह का अरेन्जमेंट आपकी पॉलीमर चेन में है तो उसका जो पॉलीमर होता है then that is usually the crystalline. it has a crystalline nature. if it is irregular arrangement, the polymer will usually behave like amorphous polymer. ये एक arrangement होता, एक point होता. दूसरा point ये है कि अगर आपका monomer symmetrical है, देखिए, क्या मतलब? अगर ये instead of this, if it is CHCH type polymer, अब यहाँ से जो आपका polymer बनेगा, it has nothing to do with the arrangement. So you see that? because it's a regular type pattern. तो इसमें इसमें आपका हेड टू टेल के अरेंजमेंट की कोई कंडीशन ही नहीं है ऑलवेज़ गेट अट्रेट चीन टाइप ऑफ पॉलीमर, सो यूट द पैकिंग इज बेटर इन दिस केस देय बी पैकिंग इन द प्रोब पॉलिमर विच हैज डिफरेंट मोनमरिक यूनिट जिसमें आपका बनता है तो इस केस में बी यू विल गेट द रेगुलर टाइप ऑफ पॉलिमर यूजली वाल एज इन दिस केस जमेंट देन यू कैन एक्चुअली सी दैट इट कैन फॉर्म इन द रेगुलर पॉलिमर्सिमर सिमिट्रिकल नेता है एंड दे रेगुलर पैटर्न सो दीज बेसिक पॉइंट बेसिकली जो बुनियादी चीजें होती है कि आपका मोनोमर कैसा है वो आपका मोनोमर कैसे अरेन्ज है ये बेसिकली एक पॉलीमर में है आपका क्रिस्टलाइन नेचर इंपार्ट कर लेता है ओके उसके बाद नाउ एट मूट क्रिस्टल एनटी ऑफ पॉलिमर दैट मीनस वेन वी से दैट आवर पॉलीमर इज क्रिस्टलाइन सो वी कैन से दैट इसमें दोनोमेरिक यूनिट कैन बी सिमेट्रिकल नंबर वन और इफ दे आर नॉट सिमेट्रिकल, दे आर रेगुलरली अरेन्ज्ड देरलीगुल Gene. So that means when we say crystalline nature, when we say the uh, crystalline, crystallinity, overall we say we have a regular arrangement of chains. So we have a regular arrangement of chains. And as so macromolecules are the so polymeric chains, they are regularly arranged hoti hai in a polymer and that regular arrangement comes from what? It comes either from the symmetrical nature of monomers, or it comes either from the the fashion in which they are arranged. The monomers are arranged. That is head to tail fashion. So when we have the regular arrangement of polymeric chains in a polymer. So that gives the crystalline nature to the polymer. Or we say the polymer is crystalline. I will show you a diagram. Say that will be easy. Let us say I will show the three states here. Let us uh, show it by three states. Now, in this case, let these be the polymeric chains. ठीक है पॉलीमरिक चेन्स तो ये हमारा पास ये जो लेस ये जो ब्लैक तो पोर्शन so है दैट द मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स में चेन्स इरेगुलरली अरेंज्ड उनमें दे आर रैंडमली सो हियर इन दिस केस वी हैव रैंडम अरेंजमेंट ऑफ और रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पॉलिमरिक चें मैट्रिक्स इन अ पॉलीमर मैट्रिक्स दूसरा अरेंजमेंट जो पॉसिबल है दैट कैन बी लाइक दिस इन दिस केस आप देख रहे हैं कि देर आर स्मॉल स्मॉल रीजन विच आर रेगुलरली पैक्ड है ना देखिए एज अ होल देखेंगे जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज ए मैट्रिक जो ब्लैक पोर्शन है सो दैट मीनस देर सेकंड अरेन्जमेंट वायर वी हैव स्मॉल रीजन स्मॉल रीजन्स ऑफ small regions of regularly arranged regularly arranged polymer chains these small uh, regions they are called as crystallites they are called as crystallites crystallites

we can say along the three dimensional space, they have the orientation, so the, all these polymer chains are macromolecules, they are oriented in a, in a given direction. So this is actually called the crystalline polymer. a b crystalline but is my partial crystalline character because we have small small crystallites that are embedded in the matrix in this case this is the amorphous state a state is called your amorphous state amorphous means where we don't have any arrangement any type of arrangement of the macromolecules or polymer chains they are just randomly uh, embedded in the matrix. So this is partially crystalline. This is the crystalline arrangement when the polymer chains they are orderly arranged in the three-dimensional space along a particular orientation. So this is your crystalline. That means so uh, je, je polymer hai, that can be either partially crystalline, that can be fully crystalline, or usually polymer hota hai, that has properties between amorphous and is crystalline polymer hota hai, that has properties between amorphous and the uh, crystalline state. So, usually if it is crystalline, then it has high density. So, if a polymer is crystalline, it has high density. Very important that if it is crystalline, it has uh, high tensile strength. High tensile strength. So, when the polymer becomes crystalline, it has high tensile strength. It has high density. So these properties will only come because of the arrangement it will impart, and then it becomes rigid also. So the polymer has a high rigidity, high uh, rigidity. These three important properties are, your polymer may have once it becomes crystalline. It has high density. It is because the polymeric chains are they're compact; they are packed because of the regular arrangement, and then.

Crystalline polymer. And if polymers are asymmetrical, but then they are arranged in head to tail fashion, that also becomes a crystalline polymer. This is basic. Hai. There are other factors also that we'll see in the incoming classes. So this is the basic concept of crystallinity of polymers, that polymers can be crystalline. If it's macromolecules or polymeric chains, they are arranged in a regular fashion. They are oriented along a regular fashion, and that imparts uh, the crystallinity to the polymer, and then results in properties like high density, high tensile strength, high rigidity. So, class is the basics about the crystallinity of polymers. This is all for today.